ब्लड ऑरेंज, जिसका साइंटिफिक नेम है साइट्रस सिनेंसिस। चलिए आज हम इसे लगाते हैं और इसके बारे में बातें करते हैं। It's hard to breathe, but that's all right. Hush. You are watching Discover Inside. Do like, share and subscribe. ये देखिए, ये वही ब्लड ऑरेंज का पौधा है जो मैंने माँ दुर्गा नर्सरी से लिया था। मैंने इसको रिसीव करने के बाद इस पर फंगीसाइड का स्प्रे किया और दो दिन ऐसे ही छोड़ दिया ताकि ये हमारे एनवायरनमेंट में अच्छे से सेटल हो सके। और अब इसे लगाते हैं। नर्सरी वालों ने काफ़ी अच्छा प्लांट दिया है। अनबॉक्सिंग वाला वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। ब्लड ऑरेंज के लिए सॉइल का ज़्यादा इशू है नहीं। सॉइल बस अल्कलाइन नहीं होना चाहिए। बाकी जो पीएच है वो एसिडिक नेचर का हो, न्यूट्रल हो तो ज़्यादा बेहतर है। मतलब 5 से लेकर 7 के बीच। मैंने जो मिट्टी इस्तेमाल किया है ये लगभग 1-1.5 महीने पहले मैंने सिंपल जो गार्डन का सॉइल होता है वो, और गोबर की खाद और थोड़ा सा पोटैश, थोड़ा सा फॉस्फेट डाल के मैंने इसे पानी डाल के रखा हुआ था। हाँ, मिट्टी अच्छे से तैयार हो जाए इसलिए मैंने इसमें वेस्ट डिकम्पोज़र भी मिलाया था। और जैसा कि आप देख सकते हैं मिट्टी अच्छे से बन भी चुका है। साइट्रस फैमिली का कोई भी प्लांट आराम से वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट में एडजस्टेबल है, मतलब इंडिया के लिए परफेक्ट है। इसमें जब फल आएंगे तो उस फल के अंदर का जो पल्प होगा वो ऑलमोस्ट रेड कलर का होगा या फिर डार्क ऑरेंज, और टेस्ट में बाकी ऑरेंज से ज़्यादा स्वीट होगा। हम जब भी कोई पौधा लगाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा पौधा गमले के सरफेस से 1.5-2 इंच नीचे हो, ताकि इसमें हम अच्छे से पानी दे सकें और बाद में जब ज़रूरत पड़े तो किसी भी तरह का मैन्योर फर्टिलाइज़र आराम से गुड़ाई के समय इसमें अप्लाई कर सकें। फर्टिलाइज़र की बात की जाए तो आज से 25-30 डेज़ के बाद हम लोग इसमें NPK स्प्रे करेंगे इनके पत्तों में, ताकि ये और अच्छे से ग्रो कर सकें। पौधा लगाने का सबसे अच्छा टाइम डोरमेंसी के बाद का टाइम है, यानी अभी का, जब गर्मी धीरे धीरे आ रही है। शॉर्ट में कहा जाए तो पतझड़ का मौसम। हम इसमें जब फर्स्ट टाइम पानी देंगे तो भर के देंगे ताकि प्लांट अच्छे से गमले में सेटल हो जाए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में।